हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। और हमारे बॉयलर पोल्ट्री फार्म का आज है दूसरा दिन। देख पा रहे हैं रात का समय है, हेलोजन जल रहे हैं और टेम्परेचर जो है वो अभी 31.3 है। तो इस बार दोस्तों ये हमारा ये ठंडी वाला बैच है, अक्टूबर का महीना चल रहा है। तो इस तरह से हमने ब्रूडिंग हाउस बनाया है जिसमें हम बाहर से तिरपाल तो पूरी तरह से ढक देते हैं और इस तरह से अंदर की तरफ से ट्रांसपेरेंट पन्नी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये चारों तरफ से ढका हुआ होता है। तो इसमें दोस्तों ये बात है कि ऊपर कैंची में भी हम पन्नी लगाते हैं और ये बीच सेंटर में भी, और ये सेंटर से हमने अभी खोल कर रखा है। जैसे ही थोड़ी सी ठंड बढ़ेगी हम उसे नीचे गिरा देंगे। तो इस तरह से हम ब्रूडिंग हाउस बनाते हैं और इसके बाद वाले जो बैच है दोस्तों उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें सीलिंग भी डालें ताकि जो ब्रूडिंग हाउस है वो जितना छोटा से छोटा रहे, उसे जो अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा बनता रहे। उसे देखिए चिक्स को कोई परेशानी हो नहीं रही है, बहुत बढ़िया से खेल रहे हैं। और जब ये पन्नी हम लगाते हैं तो दोस्तों दिन में टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है क्योंकि धूप जब चढ़ती है तो टेम्परेचर ऊपर चला जाता है। तो उससे हमें ये पन्नियाँ खोलनी पड़ती हैं, तिरपाल भी थोड़ा थोड़ा डाउन करना पड़ता है। तो इस तरह से हम फार्म में ब्रूडिंग हाउस बनाते हैं। धन्यवाद।